हेलो एवरीवन, आज हम छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो स्टूडेंट अपीयर होने जा रहे हैं इस एग्ज़ाम में, उनको एक आइडिया हो सके कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देखिए छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। इस पेपर में दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और वहाँ के पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं, और दूसरा सेक्शन होता है एक सब्जेक्ट का जो आपने ऑप्ट किया है। यहाँ पर हम देखिए सब्जेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी वॉज डिस्क्राइब्ड एज द बोल्ड ओपननेस ऑफ अ फिलोसफिक लाइफ बाय, ये स्टेटमेंट है। देखिए प्राचीन यूनानी तत्वज्ञान को दार्शनिक जीवन की निर्भीक अस्पष्टता किसने वर्णित किया था, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक नीत्से ने इसको एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी को डिस्क्राइब किया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एरिस्टोटल इन हिज टाइम स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशंस आउट ऑफ विच ओनली वन हैज सर्वाइव्ड एंड दैट इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिए ये है कि अरस्तु ने 158 संविधानों की स्टडी की थी, लेकिन कौन सा एक संविधान आज भी विद्यमान है। इसका सही आंसर है देखिए एथेंस का संविधान आज भी विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल्स कंसेप्ट ऑफ कॉमन गुड इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ, हिंदी में देख लीजिए, अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है, ये आधारित है वितरणात्मक न्याय पर। सबसे पहले आप जानिए कि अरस्तु ने न्याय को दो भागों में बांटा, एक कंप्लीट जस्टिस था और दूसरा स्पेसिफिक यानी स्पेशल जस्टिस, विशेष न्याय और संपूर्ण न्याय। और इन्होंने स्पेशल जस्टिस यानी कि विशेष न्याय को दो पार्ट में बांटा, एक करेक्टिव जस्टिस में और एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में। तो वितरणात्मक न्याय में देखिए क्या आता है, इसमें कॉमन गुड लोगों का सम्मिलित है, जिसमें कि किंग लोगों को पद सम्मान और अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके योगदान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौटिल्या इज ऑल्सो नोन एज, बहुत सिंपल सवाल है ये, कौटिल्या को और किस नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता है। रेवोल्यूशंस आर द लोकोमोटिव्स ऑफ हिस्ट्री, हु क्वाइंड दिस फेमस फ्रेज, इसका आंसर देखिए सबको आना चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया है, ये हिंदी में आप इन्हें पढ़िए, क्या है, क्रांतियां ही इतिहास को आगे बढ़ाती हैं, ये कथन है कार्ल मार्क्स का। फिर देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, T.H. ग्रीन इमेंसली कंट्रीब्यूटेड टू, T.H. ग्रीन ने किस विषय में अपना विशाल योगदान दिया है, ब्रिटिश लिबरलिज्म में T.H. ग्रीन ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है ब्रिटिश उदारवाद के लिए। देखिए सेवेंथ क्वेश्चन है, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स ऑन ब्रिटिश एंड अमेरिकन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ लेबर पार्टी, आइडेंटिफाई हिम। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर एक थेरिस्ट की अचीवमेंट लिखी रहेंगी और आपको बताना है कि ये किस पॉलिटिकल थिंकर की अचीवमेंट है। बिल्कुल देखिए ये सवाल भी ऐसा ही एग्जाम में आया था कि वे ब्रिटिश और अमेरिकी राजनीतिक संस्थाओं पर सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक थे और वे लेबर पार्टी के अध्यक्ष भी थे, इसका सही आंसर क्या है, हैरोल्ड लास्की। एट्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू निकोलो मैकियावेली अ रूलर मस्ट हैव सर्टेन क्वालिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट फेवर्ड बाय हिम, हिंदी में निकोलो मैकियावेली के अनुसार एक शासक में कुछ गुण होने ही चाहिए, निम्नलिखित में से वे किसके पक्ष में नहीं थे। देखिए मैकियावेली किसके पक्ष में नहीं थे, दया के पक्ष में बिल्कुल भी मैकियावेली नहीं थे, इन्होंने देखिए चतुराई का समर्थन किया कि एक राजा को चतुर होना चाहिए, बेहिचक मर्जी उसकी चलनी चाहिए राज्य में, वो साहसी होना चाहिए और
क्रूरता भी उसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन दया भाव ये बिल्कुल भी एक शासक के अंदर नहीं होना चाहिए। मैकियावेली किंग को सपोर्ट करते हैं और देखिए कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The idea of surplus wealth in the hands of individuals to ensure maximum happiness of the people was advocated by। बहुत आसान सवाल है ये कि लोगों की अधिकतम खुशी सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति विशेष के हाथ में अधिशेष धन, इस विचार की वकालत किसने की है? अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात जहां पर भी आएगी, उपयोगितावाद की बात आएगी, और ये दिया है जर्मी बेंथम ने। फिर देखिए टेंथ क्वेश्चन है, प्लेटो लोकेट्स द ओरिजिन ऑफ ऑल स्टेट्स इन। प्लेटो सभी राज्यों का उद्गम निम्नलिखित के आधार पर रेखांकित करते हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो स्टेट का ओरिजिन है वो सामाजिक जरूरतों पर बेस होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक जरूरतें। 11th क्वेश्चन है, द प्रिंस इज अ मास्टरपीस ऑफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, प्रिंस किसकी एक सर्वोत्कृष्ट रचना है? प्रिंस मैकियावेली की रचना है, ये बुक मैकियावेली ने लिखा है। इसमें मैकियावेली ने देखिए शासन कला के बारे में बताया है, आर्ट ऑफ रूल, किस तरह एक किंग को शासन करना चाहिए, इसका वर्णन मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सेंट्रल कंसेप्ट इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज। राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है? सही आंसर इसका क्या होगा? राज्य। देखिए राज्य राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय संस्था होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पॉलिटिक्स वॉज इन्वेंटेड बाय। राजनीति शब्द का आविष्कारक कौन था? अरस्तु जी देखिए राजनीति शब्द के आविष्कारक हैं और इनकी किताब का भी नाम पॉलिटिक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवर्निटी मैनिफेस्टेड इनटू द। संप्रभुता के सिद्धांत को किसमें व्यक्त किया गया है? वेस्टफेलिया की संधि में, जो कि 1648 में हुई थी, और देखिए यहीं से राज्य के संप्रभु होने का विचार भी उत्पन्न हुआ था इसी संधि के बाद से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लोरिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवर्निटी वॉज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय। संप्रभुता के बहुलता वाले सिद्धांत में मुख्य रूप से किसका योगदान था? इसका सही आंसर क्या होगा? बेंटली, इन्होंने संप्रभुता के बहुलतावादी सिद्धांत का समर्थन किया है। संप्रभुता, सबसे पहले संप्रभुता क्या होती है, देखिए संप्रभुता जिसमें कि एक नेशन के पास राइट होना चाहिए खुद को गवर्न करने का बिना किसी और नेशन के इंटरफेरेंस के। संप्रभुता में देखिए दो सिद्धांत सबसे ज़्यादा फेमस हैं, वो हैं एक मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवर्निटी है और दूसरा प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवर्निटी जो हम पढ़ते हैं। प्लोरिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवर्निटी में देखिए आर्थर बेंटली ने सपोर्ट किया है, इनकी किताब है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, साथ में लास्की हो गए, मैकाइवर हो गए, बार्कर, जीडीएच कोल, ये आप नाम देखिए जान लीजिए कि हो सकता है और कोई आप एग्जाम देने जाएं पॉलिटिकल साइंस का तो वहाँ पर आपको कोई और ऑप्शंस दिए हों कि संप्रभुता के बहुलतावादी सिद्धांत का निम्न में से किसने समर्थन किया है। तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट पांच थिंकर को पता होना चाहिए कि पांच थिंकर कौन है जो प्लोरिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवर्निटी को सपोर्ट करते हैं और कौन है जो प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवर्निटी को सपोर्ट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन है, हु एडवोकेटेड दी सॉवर्निटी इज एब्सोल्यूट इंडिविजुअल इनअलिनेबल एंड परपेचुअल। किसने संप्रभुता निरपेक्ष अविभाज्य अपरिहार्य और सतत है की वकालत की? अब आपने थॉमस हॉब्स का संप्रभु अगर पढ़ा है, उनका संप्रभुता का सिद्धांत आपने पढ़ा है, तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही करके आएंगे एग्जाम में। संप्रभुता को निरपेक्ष अविभाज्य अपरिहार्य और सतत रूप में थॉमस हॉब्स ने ही दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है देखिए,
आई स्वेयर बाय द फ्रेंचाइज ऑफ ऑल एडल्ट्स मेल्स एंड फीमेल्स अबव द एज ऑफ 21 और इवन 18 आई वुड बार ओल्ड मैन लाइक माई सेल्फ दे आर ऑफ नो यूज एज वोटर्स इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट बिलोंग टू दोज हु आर ऑन द पॉइंट ऑफ डाइंग टू देम बिलोंग्स डेथ लाइफ टू द यंग हिंदी में देख लीजिए आप इस स्टेटमेंट को मैं सभी वयस्क पुरुषों और महिलाओं 21 या यहाँ तक कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर के मताधिकार की वकालत करता हूँ मैं अपने आप के जैसे बूढ़े आदमी को मतदान से वंचित करूँगा क्योंकि उनका मतदाता के रूप में कोई उपयोग नहीं है भारत और बाकी दुनिया उन लोगों के लिए नहीं है जो मरने की कगार पर हैं वे मृत्यु के संबद्ध हैं जीवन युवा के लिए है यह कथन देखिए महात्मा गांधी जी का है कि जो 18 या फिर 21 एज के हैं वो वोट दें लेकिन जो बूढ़े आदमी हैं जो मरने की कगार पर हैं उनका उनको वोट देने की कोई अब ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए स्टेटमेंट पे है द कास्ट सिस्टम डज नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ इट इज़ अ पार्ट एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर स्कीम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इट हैज सीज टू बी अ क्वेश्चन ऑफ वेदर वी लाइक कास्ट और डिसलाइक हुज स्टेटमेंट इज मेंशनड अबव हिंदी में जाति व्यवस्था केवल स्वयं के बल पर नहीं टिकी है यह एक हिस्सा है और सामाजिक संगठन की एक बहुत बड़ी योजना का एक अभिन्न हिस्सा है इसके द्वारा जाति को पसंद या नापसंद करने का सवाल ही नहीं रह गया है यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का देखिए 19th क्वेश्चन है Glimpses of World History is a collection of विश्व इतिहास की झलक किसका संग्रह है ये संग्रह है लेटर्स का ये नेहरू जी की किताब है देखिए इसमें अप्रॉक्स 196 लेटर्स का कलेक्शन है ये किताब पब्लिश हुई है 1934 में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है She was chosen to organize a women wing of the Indian National Congress in 1940. Who was she? वे कौन थी जिनको 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महिला विभाग का संगठन करने के लिए चुना गया था वो थी सुचिता कृपलानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है टू मोबिलाइज ब्रॉडर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अम्बेडकर एस्टैब्लिश्ड अंबेडकर ने देखिए समाज के व्यापक वर्गों को लामबंद करने के लिए क्या स्थापित किया था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना अंबेडकर जी ने की थी 1942 में 1942 में 1936 में इसके पहले इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी बनाई थी मेनली इनका जो काम है वो दलित कम्युनिटी के लिए था नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following terms has got a mention in the preamble to the Constitution of India? हिंदी में निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है Equal protection, equal opportunity, equal justice, equal liberty, equal decision making. देखिए प्रस्तावना में उल्लेख है समान अवसर का देखिए उसमें जस्टिस की बात है लेकिन समान जस्टिस की बात नहीं है समान न्याय की बात प्रीएम्बल में बिल्कुल नहीं है सिर्फ जस्टिस की बात है कि हमें सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना है और लिबर्टी की भी बात है स्वतंत्रता की बात है लेकिन समान स्वतंत्रता की बात नहीं है लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ वर्शिप इसकी बात प्रस्तावना में उल्लेखित है और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात है समान अवसर की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख इसका किया गया है समान अवसर का ना कि समान न्याय समान स्वतंत्रता समान निर्णय या समान संरक्षण का नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच लुक्स एट पॉलिटिकल सिस्टम एज संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली को किस रूप में देखता है ये राजनीतिक प्रणाली को एक सुसंगत जो अपने वातावरण से प्रभावित करती है और बदले में प्रभावित होती है के रूप में देखता है देखिए स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच के बारे में मैंने जो वीडियोस मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं उसमें डिस्कस किया है
देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिस्टोटलियन मेथड ऑफ कॉम्परेटिव स्टडी वॉज, तुलनात्मक अध्ययन में अरस्तु की कौन सी विधि है? बहुत सिंपल सवाल है ये, अरस्तु साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वैज्ञानिक विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिस्टोटल्स लेगेसी ऑफ कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स इंस्पायर्ड, अरस्तु की राज्यों और सरकारों पर तुलनात्मक अध्ययन की विरासत ने किसको प्रेरित किया था? अगस्टाइन को नहीं किया था, मैकियावेली को नहीं किया था, एक्वानास को नहीं किया था, बोधा को भी नहीं किया था। इसका करेक्ट आंसर है ओघम के विलियम को, अरस्तु ने जो तुलनात्मक अध्ययन किया है उससे प्रेरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स अरिस्टोटल कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म, हिंदी में इनमें से कौन से प्रकार का शासन अरस्तु के हिसाब से सर्वोत्तम है? पॉलिटी को अरस्तु सबसे ज्यादा बेस्ट मानते हैं किसी राज्य को गवर्न करने के लिए, हुकूमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड द एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विस्तार किसने किया था? इसको थॉमस हॉब्स ने किया था, इन्होंने अपने संप्रभु को पूरी तरह से निरंकुश बनाने का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्लाइन इन द पावर ऑफ नेशन स्टेट इन द लेट 20th सेंचुरी इज एट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ, 20वीं सदी के आखिर में देश के राज्यों की शक्ति में गिरावट के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? क्षेत्रवाद को जिम्मेदार ठहराया गया, जिससे कि राज्यों की जो शक्ति है उनमें गिरावट आई थी क्षेत्रवाद की वजह से। विच स्टेट विटनेस्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग इन द लोकसभा जनरल इलेक्शन 2014? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नागालैंड में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा मतदान 2014 के आम लोकसभा चुनाव में हुआ था। फिर देखिए 30th क्वेश्चन है, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट सेंटर वॉज फॉर्म्ड इन, यानी कि केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कौन से वर्ष में किया गया था? देखिए सबसे पहले जो गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था केंद्र में 1977 में जनता अलायंस की गवर्नमेंट बनी थी, इमरजेंसी के जस्ट बाद इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था और मोरारजी देसाई पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज, यहाँ पे देखिए न्यायिक सक्रियता की बात हो रही है, भारत में न्यायिक सक्रियता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है सीएनजी परिवहन, सीएनजी ट्रांसपोर्ट पर जुडिशियल एक्टिविज्म जो आया वो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इस प्रोसेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड मेनली, राजनीतिक दलों की मुख्य रूप से के लिए आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? सरकार बनाने के लिए। देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर काम करती है तो क्यों काम करती है? वो यही चाहती है कि वो सत्ता में आए, वो रूल करे, उसकी सरकार बने, जनता का नेतृत्व करना, सामने मुद्दों का नेतृत्व करना, सरकार का विरोध करना, मतदान कोष को विभाजित करना, ये सब इसका मुख्य एम नहीं है। जो मेन एम एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है कि हम सत्ता में आए, सरकार बनाए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन प्लेस, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में एक बहुदलीय प्रणाली नहीं है? इसका राइट आंसर देखिए चाइना है, चाइना में बहुदलीय पार्टी नहीं है, ये मोस्टली लोगों को पता होगा, चाइना में सिर्फ एक पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोसीजर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं के विकास में किसने सबसे ज्यादा योगदान दिया? सबसे ज्यादा देखिए ग्रीक का योगदान था राजनीतिक प्रक्रिया में और राजनीतिक संस्थाओं में, ग्रीक से देखिए शुरुआत हुई है
एक पॉलिटिकल साइंस की एक स्टडी की, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म ब्यूरोक्रेसी वॉज क्वाइंड इन 18th सेंचुरी इन विच कंट्री। परिभाषित शब्द नौकरशाही 18वीं सदी में किस देश में गढ़ा गया था? ब्यूरोक्रेसी वर्ड किस भाषा से क्वाइन किया गया, ये भी एग्जाम में आता है। किसने क्वाइन किया सबसे पहले, ये भी आता है। या किस सेंचुरी में क्वाइन किया, ये भी आता है। अब यहाँ पर आपसे देश पूछ रहा है, किस देश में क्वाइन किया गया? ये फ्रांस में क्वाइन किया गया ब्यूरोक्रेसी शब्द। और ये सबसे पहले इसको क्वाइन किसने किया? फ्रेंच फिलोसोफर विंसेंट ने। ये फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, ब्यूरो से, जिसका मतलब होता है रूल ऑफ डेस्क, राइट। फिर देखिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय। देखिए तीन तीन नेशंस आपको दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए चार नहीं पांच ऑप्शंस हैं एग्जाम में आपके जो आएंगे। अब इसमें नाम में कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं? इंडिया है, इजिप्ट है और यूगोस्लाविया है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। और वैसे और कंट्रियाँ थी, इंडोनेशिया भी था और घाना भी था। यहाँ देख लीजिए कि गुट निरपेक्षता आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भारत, इजिप्ट और यूगोस्लाविया के। इजिप्ट में देखिए किसने लीड किया था? प्रेसिडेंट गोमाल अब्दल नशीर ने। इंडोनेशिया में सुकार्नो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने। घाना से क्वामे नुरमा ने। और यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रॉज टीटो ने। और इंडिया से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस वॉज स्टेटेड बाय। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, देखिए ये स्टेटमेंट मैंने प्रैक्टिस कराया है आपको। ये रियलिज्म अप्रोच से है इंटरनेशनल रिलेशंस के। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष है, ये स्टेटमेंट है मॉर्गन थाउ का, हांस जे मॉर्गन थाउ का। फिर देखिए, द कंसेप्ट ऑफ सार्क वॉज प्रेजेंटेड बाय। सार्क की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? ये सवाल भी देखिए मैंने प्रैक्टिस कराया है। सार्क की सबसे पहले जो अवधारणा है वो बांग्लादेश ने पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18th सार्क समिट आया है कि 18th सार्क समिट किस नेशन में हुआ था? ये हुआ था काठमांडू नेपाल में 2014 में। फिर देखिए, इन वर्ल्ड डायमंड कॉन्फ्रेंस 2015 विच कंट्रीज कंपनी साइंड अ पैक्ट विद 12 इंडियन कंपनीज फॉर डायरेक्ट सेल ऑफ रफ डायमंड्स। रशिया के साथ देखिए ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिकल साइंस में आप समझिए कि आईआर और फॉरेन पॉलिसी, इन दो में से करंट के क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई एग्जाम 16 में हो रहा है तो 15 का सवाल आएगा, 20 में हो रहा है तो 19, 18, 17 करंट। देखिए अब करंट की कोई लिमिट नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो तीन महीने पहले का ही करंट पूछे, दो तीन साल पुराना भी करंट अफेयर वो पूछ सकता है। एक फॉरेन पॉलिसी और एक आईआर में सबसे ज़्यादा इस बात की चांस रहते हैं कि करंट के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ। राजनीति विकास का तात्पर्य किसके विकास से है? इंस्टीट्यूशंस एटीट्यूड्स और वैल्यूज, संस्थानों नजरिए और मूल्यों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरेस्ट ग्रुप इज रॉन्ग। इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है, यानी कि हित समूहों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। नो बार ऑन अ पर्सन टू ज्वाइन वन और मोर ग्रुप। नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये सही है। नो डायरेक्ट रूलिंग गवर्नेंस ऑफ कंट्री, ये सही है। नो यूज ऑफ प्रेशर पॉलिटिक्स, नो मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर, ये सही है। लेकिन देखिए इसमें गलत है, नो यूज ऑफ प्रेशर पॉलिटिक्स। हित समूह प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट इंटरेस्ट ग्रुप के लिए सही हैं, यानी कि राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल ना करना ये गलत है। फिर है देखिए, आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ प्री डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट इन हांगकांग ऑब्जर्व रिसेंटली। येलो अम्ब्रेला देखिए नाम था, हांगकांग में एक लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में प्रदर्शित विरोध के प्रतीक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था, ये प्रोटेस्ट था।
जिसको पीला छाता कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सोशल डेमोक्रेसी वॉज क्वाइंड बाय, परिभाषित शब्द सामाजिक लोकतंत्र किसके द्वारा गढ़ा गया है, ये समाजवादी के द्वारा गढ़ा गया है, सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर देखिए, फैबियंस एडवोकेटेड फॉर अ ग्रेटर रोल ऑफ, फैबियंस ने किसकी भूमिका को बेहतर करने के पक्ष में थे, ये प्रशिक्षित राजनीतिक नेताओं की बेहतरी के समर्थन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैबियन सोसाइटी वॉज एफिलिएटेड विथ, बहुत अच्छा सवाल है ये, फैबियन जो समाज है ये किससे संबंधित था, ये मजदूर दल से संबंधित था, लेबर पार्टी से, देखिए ये एफिलिएटेड है और ये एक समाजवादी जो सोसाइटी है ये फाउंड हुई थी 1884 में लंदन में, जिसका बिलीव था कि पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक तरीके से समाजवाद की प्राप्ति की जा सकती है, ये मेन फैबियन समाज का उद्देश्य था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स बिल्डिंग सेक्रेटेरिएट ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन, बहुत इंटरेस्टिंग देखिए ये क्वेश्चन है कि जो राज्य सरकार का सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग कहाँ पर स्थित है, ये देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है उसे राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं, आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉक्सो इज एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स एक्ट पास्ड बाई इंडियन पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू, भारतीय संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार अधिनियम पॉक्सो किससे संबंधित है, ये संबंधित है बच्चों से, अगर आपको पॉक्सो का फुल फॉर्म भी पता होगा तब भी आप समझ जाएंगे कि ये चिल्ड्रन से रिलेटेड एक्ट है, पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये देखिए 2012 में ये एक्ट लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कैलाश सत्यार्थी द 2014 नोबेल लॉरेट फॉर पीस इज अटैच्ड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, बचपन बचाओ आंदोलन से कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं और इनको इसके लिए नोबेल भी दिया गया शांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर के राधाकृष्णन ऑफ इसरो फेमसली कंपेयर्ड द कॉस्ट ऑफ मंगलयान विथ विच हॉलीवुड साइंटिफिक मूवी, ये ग्रेविटी से देखिए मंगलयान जो उसकी जितनी लागत की गई थी तो उसकी तुलना मंगलयान की ग्रेविटी फिल्म से की गई कि इतना जो रुपए ग्रेविटी फिल्म में लगा था उसके बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू डेवलपमेंट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, विकास का अधिकार किस वर्ग के अंतर्गत आता है, देखिए विकास का अधिकार ह्यूमन राइट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आप जान लीजिए, जिसमें कि देखिए फर्स्ट जनरेशन में सिविल और पॉलिटिकल राइट आते हैं, दूसरे जनरेशन में सोशल इकोनॉमिकल और कल्चरल राइट्स आते हैं, तीसरे जनरेशन में सॉलिडरिटी राइट्स आते हैं जो कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं बल्कि कलेक्टिवली होते हैं, तो विकास का जो अधिकार है ये कलेक्टिवली सामूहिक रूप से होना चाहिए, जैसे कि इसके साथ में और जो राइट्स आते हैं थर्ड जनरेशन में वो हैं राइट टू पीस, राइट टू ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ऐसे और भी अधिकार हैं जो तीसरी पीढ़ी के अधिकार में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, यूएन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। देखिए फिर, इन इंडिया द टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th September, ऑन विच डे इट इज सेलिब्रेटेड एट इंटरनेशनल लेवल, ये सवाल बहुत आसान है, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, हु स्टेटेड दिस, राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू और खत्म होती है, ये स्टेटमेंट है देखिए गार्नर का, अब यहाँ पर गैटल क्यों है ये इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली गार्नर का है, प्रोफेसर गार्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूशंस इज अ, हिंदी में, राज्य सरकार और राष्ट्रीय संस्थानों के एक उद्देश्य के रूप में राजनीति विज्ञान की अवधारणा, ये परंपरागत दृष्टिकोण में आता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम स्टडी करते हैं स्टेट की, गवर्नमेंट की और इंस्टीट्यूशंस की। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का जो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं उसमें इसको शामिल किया है मैंने। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये नहीं है, वो दूसरा क्वेश्चन है, पर कंसेप्ट लगभग एक सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री, हु स्टेटेड दिस, स्टेटमेंट है ये, इतिहास अतीत की राजनीति है, राजनीति वर्तमान इतिहास है, यह किसने कहा था, ये एडवर्ड ऑगस्टस फ्रीमैन का स्टेटमेंट है। और इस देखिए इस स्टेटमेंट से सीले भी एग्री करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल देयर फोर पॉलिटिकल साइंस लैक्स, ये ऑब्जेक्टिविटी में लैक होता है क्योंकि मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसलिए राजनीति विज्ञान में विषय निष्ठा की कमी है। सिंपल है ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इज अ क्लासिकल वर्क ऑन पॉलिटिक्स बाय, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किताब हैरोल्ड लास्की की है। देखिए लास्की की जितनी भी किताबें हैं वो एग्ज़ाम में अरेंज करने को भी आ सकती हैं या मैथ्स फॉलोइंग में भी आ सकती हैं या डायरेक्ट भी कोई एक किताब पूछ लेगा कि इस किताब के ऑथर कौन है। इस इन तीन फॉर्म में देखिए बुक और ऑथर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सिंपल था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिफाइंड द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज इंक्लूसिव ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल थियरी एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, हिंदी में, किसने राजनीति विज्ञान के दायरे को राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाओं के समावेश के रूप में परिभाषित किया है, इसे परिभाषित किया है मॉर्गन थाउ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ पावर इन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में कंसेप्ट का पावर किस टर्म में ली जाती है, ये ली जाती है राजनीति के तौर पर, पॉलिटिकल के तौर पर, राइट। देखिए बहुत से क्वेश्चंस किताबों में नहीं मिलेंगे आपको, आपकी रीजनिंग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए एग्जैक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप सीधे किताब से उठा करके नहीं, उसमें आपको रीजनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पूरा कंसेप्ट को समझना पड़ेगा तब आप सवाल लगा पाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में कितने आएंगे 100 में से, आप समझिए पूरे 100 सवाल आपके डायरेक्ट नहीं आ सकते, किसी किसी सवाल में आपको रीजनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, इनमें से क्या राष्ट्रीय शक्ति सत्ता का तत्व नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रभाव नहीं है, बाकी मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, रक्षा, ये राष्ट्रीय शक्ति के तत्व में, एलिमेंट्स में आते हैं। लेजिटिमेसी एज जस्टिफिकेशन ऑफ पावर इज एन आउटकम ऑफ, शक्ति सत्ता के औचित्य के रूप में वैधता किसका नतीजा है, उदार सोच का नतीजा है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन मीन्स, ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि राजनीतिक बाध्यता का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कानून के प्रति वाजिब आज्ञाकारिता, जो हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ रीजन, इट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, दस स्टेटेड बाय, ये हीगल का स्टेटमेंट है कि जो राज्य है उसका अवतरण ये पृथ्वी पर भगवान की पदयात्रा है, ये हीगल का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वॉज द स्लोगन ऑफ, ये स्लोगन देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकला है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा फ्रांसीसी क्रांति से निकला है। पीएम नरेंद्र मोदी हैज विजिटेड एज फर्स्ट फॉरेन विजिट आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भूटान पर ये गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलोंग विच लाइन द इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट एन 1800 किलोमीटर
हाईवे एज अ मार्क ऑफ रेजिस्टेंस रिसेंटली। 1800 किलोमीटर का एक हाईवे इंडियन गवर्नमेंट ने बनाने का निर्णय लिया किस लाइन पर? मैकमोहन रेखा पर। वॉट इज द अदर नेम ऑफ यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट? आपको बताना है कि भारत अमेरिका असैनिक परमाणु करार का अन्य नाम क्या है? इसका नाम है 123 करार, 123 एग्रीमेंट। इसका एक और है कि नाम है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, इसको 123 एग्रीमेंट के तौर पर भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर द फर्स्ट पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट वॉज कंडक्टेड? In 1974 में पहली बार पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी हैज साइंड द हिस्ट्रिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट टू स्वैप सर्टेन टेरिटरीज विद विच कंट्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्र के साथ भूमि विनिमय के लिए ऐतिहासिक भूमि सीमा करार पर हस्ताक्षर किए? ये बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षर हुआ था। ये देखिए 2015 में इसका रिवाइज वर्जन साइन हुआ था और 1974 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन रिवाइज वर्जन जो आया वो 2015 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी आइकॉनिक याल देवी ट्रेन वॉज रिस्टोर्ड आफ्टर 24 ईयर्स विद द हेल्प ऑफ इंडिया इन श्रीलंका, द एसेस टू विच टू इम्पॉर्टेंट रीजन्स वर रिस्टोर्ड बाई दिस? प्रतिष्ठित यल देवी ट्रेन सेवा श्रीलंका में भारत की मदद से 24 साल बाद बहाल किया गया, किन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से इसे बहाल कर दिया गया? जाफना और कोलंबो के बीच में ये ट्रेन सेवा है। इन 2007 इंडिया फैसिलिटेटेड द इंडक्शन ऑफ अफगानिस्तान इनटू विच ऑर्गेनाइजेशन? आसियान है, सार्क है, ब्रिक्स है, कॉमनवेल्थ है, जीसीसी है। अफगानिस्तान की एंट्री देखिए सार्क में कराई गई, ये लास्ट कंट्री है जो कि और लेटेस्ट कंट्री है जो कि सार्क में एंटर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट ब्रेक थ्रू इन द स्टडी ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया वॉज अ पायनियरिंग वर्क कंडक्टेड इन द यूएस, हु वॉज द स्कॉलर? भारत की राजनीति पार्टी के अध्ययन में पहली सफलता अमेरिका में किया गया एक अग्रणी काम था, किसने किया था? ये मायरो वेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन 1949 इट वॉज डिसाइडेड दैट इंग्लिश वुड बी यूज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग वॉज दिस पीरियड? ये सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। भारतीय संविधान 1949 में अपनाया गया था, इसका निर्णय लिया गया कि एक सीमित अवधि के लिए अंग्रेजी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यह सीमित अवधि कब तक की थी? 15 साल की थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके इसे बढ़ा दिया गया। लेकिन ये जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था तो ये निर्णय लिया गया था कि यह सिर्फ 15 साल के लिए रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The language provisions of the Constitution of India are a result of a compromise on a formula known as. भारत के संविधान के भाषा प्रावधानों का समावेश के समझौते का परिणाम है, ये मुंशी अयंगर फॉर्मूले का परिणाम है जिसमें कि इन्होंने अपना सुझाव दिया कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखें एज ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के साथ में 15 साल तक। During the prime ministership of Lal Bahadur Shastri, tensions prevailed in South India over Hindi as the official language, which culminated into Lal Bahadur Shastri के प्रधानमंत्री पद के दौरान राजभाषा के रूप में हिंदी के ऊपर दक्षिण भारत में तनाव का समापन किसके द्वारा किया गया था? त्रिभाषी फॉर्मूले के द्वारा। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले से ही जो विवाद मद्रास में या दक्षिण भारत में जो उत्पन्न हो गया था उसे खत्म करने का प्रयास किया गया, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज कि तमिल भी एक भाषा के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, यह इस फॉर्मूले में दिया गया। इन 1960 द बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज स्प्लिट इंटू। 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को विभाजित किया गया था गुजरात में और महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 1956 द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वॉज डन ऑन वॉट बेसिस। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पर सबसे पहले पुनर्गठन किया गया 1956 में। बहुत डिमांड्स हुई, बहुत सी कमिटीज बनी, उसके बाद फाइनली 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। देखिए फिर, हु डिसाइड्स विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज टू बी रिजर्व्ड इन इंडिया? कौन निश्चित करता है कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र भारत में सुरक्षित किया जा रहा है? ये संसद डिसाइड करती है, पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, विद द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना एज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया, हैदराबाद विल रिमेन द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना फॉर अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 10 ईयर, 10 साल के लिए रहेगी। द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स UNDHR वॉज अडॉप्टेड इन 1948। 1948 में देखिए मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को अपनाया गया था। इन दिल्ली अरविंद केजरीवाल्स फर्स्ट गवर्नमेंट रिजाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज? आफ्टर 49 डेज, 49 दिनों के बाद जो केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बनी थी, सबसे पहले उसे रिजाइन करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स ऑन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस वर अडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ? पंचायत राज संस्थाओं में 73 व 74 संशोधन को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान अपनाया गया? नरसिम्हा राव के दौरान 1993 में। देखिए जब ये 73rd और 74th अमेंडमेंट आया, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव। Which commission is now defunct by the government of India? भारत सरकार ने हाल में ही किस आयोग को भंग किया? वो है योजना आयोग, इसे हटा करके नीति आयोग लाया गया। पंचशील और the five principles of India's foreign policy are mainly rooted in? पंचशील या भारत की विदेश नीति के 5 सिद्धांत मुख्य रूप से प्राचीन बौद्ध साहित्य में निहित हैं। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया वॉज जवाहरलाल नेहरू। भारत के विदेशी मामलों के पहले मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर भी थे और साथ में एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग ईस्ट पॉलिसी इम्प्लाइज अ फॉरेन पॉलिसी दैट वेस्टवर्ड्स। लुकिंग ईस्ट, पूर्व की ओर देखो नीति का तात्पर्य है एक ऐसी विदेश नीति जिसका झुकाव किस तरफ होगा? जिसका झुकाव दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्गो क्राइसिस इंडिया वॉज इंटेंशनली लॉडेड फॉर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन। कांगो संकट में जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत की सराहना की गई थी, वह मुद्दा था शांति स्थापित करने का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज एक्सटेंडेड मिलिट्री हेल्प टू 2 सॉवरेन स्टेट्स सो फार। तो वो कौन से 2 देश हैं जिनको भारत ने सैन्य मदद दी है? वो है श्रीलंका और मालदीव्स। Where will be the 19th SAARC summit held in 2016? देखिए ये पेपर 2016 का है, इसलिए देखिए इसमें 2016 का पूछा गया कि जो 19th SAARC summit है वो कहाँ पर held होगी। इस्लामाबाद में held होनी थी ये SAARC summit। Next question है, Who is called the grand old man of India of the pre-independence era? One of the reasons for which was his entry into active politics पोस्ट द जनरल रिटायरमेंट एज ऑफ 60 ईयर्स। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पोलिटिकल मेंटर्स ऑफ महात्मा गांधी। सबसे पहले हम जब पढ़ेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये नाम है ये नाम दादा भाई नरोजी का है। दादा भाई नरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के तौर पर भी जानते हैं।
इतने से अगर आपको आंसर ना आए तो आप आगे भी पढ़िए कि वे महात्मा गांधी के राजनीतिक मार्गदर्शकों में से भी एक थे। तो वो कौन थे? दादा भाई नरोजी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रायो ऑफ फ्रीडम फाइटर्स कॉल्ड लाल बाल पाल रिफर्स टू लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों ही, इनका नाम लाल बाल पाल के तौर पर लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट हु स्टेटेड दिस। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नवंबर 2014 अ क्रॉस बॉर्डर बस सर्विस वॉज स्टार्टेड बाई DTC अंडर द फ्लैगशिप ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी। दिल्ली और काठमांडू के बीच में ये ट्रेन, ये जो बस है, ये चलाई गई थी। उस समय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी थे। ये 2014 की बात इसमें की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिमिटेड थ्योरी ऑफ प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी वॉज डेवलप्ड बाई। सुरक्षात्मक लोकतंत्र का एक सीमित सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये विकसित किया गया था जॉन लॉक के द्वारा, जिसमें इन्होंने बताया कि नागरिक समाज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड रहना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने कराया, किसके लिए? कि लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके और लोगों को हैप्पीनेस इंश्योर की जा सके। इसलिए सुरक्षात्मक लोकतंत्र का जो एक सीमित सिद्धांत है, ये जॉन लॉक ने विकसित किया है। अगर आप किसी एक थियरिस्ट की, फिलोसफर की पूरी थियरी आप पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन देखिए किसी भी तरह से एग्जाम में पूछा सकता है। एग्जैक्टली आपको वो लाइन नहीं मिलेगी जो आपने किताब में पढ़ी थी, कई तरीके से क्वेश्चन को, उसी चीज़ को जो आपने पढ़ा है उसको मोड़ करके एग्जाम पूछा था। इसलिए आपको कोई थियरी सबसे पहले समझनी चाहिए कि इस थियरी से अगर कोई भी सवाल एग्जाम में आएगा तो हम कर ले जाएंगे, अगर आप वो थियरी समझ गए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द व्यू अथॉरिटी एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्सनल लीडरशिप और कैरिश्मा अ क्वालिटी पजेस्ड बाई अनयूजुअली गिफ्टेड इंडिविजुअल्स, हु आर दे। वे अधिकार को व्यक्तिगत नेतृत्व या प्रभाव की एक मिसाल के रूप में देखते हैं, एक गुण जो असामान्य रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों के पास होता है, वे हैं फासीवादी, फासिस्ट। नेक्स्ट देखिए, इन विच पीरियड पोस्ट बिहेवियरलिज्म रोज टू प्रोमिनेंस। किस अवधि में उत्तर व्यवहारिकतावाद प्रमुखता की ओर बढ़ा? 1960 से 1970 के दशक में ये आगे बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 एंड हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी 1961, फेमस बुक ऑन मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। किसी किताब है ये? ये किताब है रॉबर्ट डहल की, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस और हु गवर्न्स। इसका शॉर्ट नेम हु गवर्न्स है और पूरा नाम है हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। निम्न में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का एक कारक एजेंट नहीं है? नेचुरल साइंस नहीं है भाई, प्राकृतिक विज्ञान कहाँ आएगा? परिवार है, स्कूल है, मास मीडिया है, धर्म है, ये सब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में आते हैं, लेकिन प्राकृतिक विज्ञान नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PM नरेंद्र मोदी won his maiden Lok Sabha election from in UP in 2014 में नरेंद्र मोदी जी बनारस से इलेक्शन जीते थे। हिंदी में देख लीजिए कि 14 में प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में वाराणसी से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता। देखिए ये 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए गए, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है, छत्तीसगढ़ का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, या फिर देखिए आप कोई भी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप पॉलिटिकल साइंस का हर पेपर लगाइए, फिर चाहे वो PhD एंट्रेंस का हो या फिर वो MA एंट्रेंस का हो या वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम कराया गया हो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप थ्योरी समझेंगे जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस थ्योरी से किस तरह के सवाल एग्ज़ाम में बन रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और देखिए शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड के साथ जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।